हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग वहाँ से आ गए इस घर में। अपने सुबह सुबह ही निकल लिए, तो ऐसे अपने बेटी को स्कूल छोड़े और वहाँ से फिर आ गए यहाँ अपने इस वाले घर में। तो अभी ठंड लग रही थी रास्ते में, थोड़ा थोड़ा सा ठंड लग रही थी, इसलिए मॉर्निंग में ही चल दिए। तो बाइक से आए हैं तो बाइक में ठंड लग रही थी। आगे बाबू ये लेट गया, आके सो गया। बाबू सो गए हो? रजाई भी ओढ़ा है, सोया भी है, लेटा भी है, सो जाओ। अभी इसकी आदत है, रात को लेट को सोया। वहाँ पे बर्थडे हुआ तो सोने में लेट हो गया, तो करीब 12 बजे सोया तो इसको नींद लगी थी। उठा के बस लेके चल दिए हम लोग, तो यहाँ आके लेट गया है, सो रहा है, सो जाओ। और ये भी लेटे हैं, सब कोई लेटे हैं। हम चल रहे हैं, देखते हैं, अपना काम वाम करते हैं, चालू करते हैं घर की साफ सफाई। घर की चूहे भी आ जाते हैं एक दो, तो चूहे भी लाइटिंग वाइटिंग कर दिए हैं चूहे लाइटिंग कर दिए हैं घर में। और ये टमाटर लाए हैं वहाँ से, जीजा जी लाए थे अपने गांव से। वो लाते हैं, गांव जाते हैं तो गांव में टमाटर फरा है, तो वहीं से लाए थे टमाटर। तो आके हम वहाँ से फट से चेंज कर लिए सूट, क्योंकि हमको काम करना है अब फटाफट, घर की सफाई फाई, इसलिए वो कर लिए, पहन लिए सूट। अब हम चल रहे सफाई करेंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे, फिर खाना बनाएंगे। तो चलो चलते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों, हम अपना काम वाम करके साफ सफाई करके घर की झाड़ू पोछा लगा के नहा लिए। बाबू भी उठ गया सो के, और ये आज हम नहा के चोटी कर लिए बाल में। ये चोटी बहुत कम करते हैं, ऐसे जूड़ा बना लेते हैं घर में, नॉर्मल रहते हैं तो। और नहा के हम ये वाला ब्लाउज पहने हैं, जो कि हम आप लोगों के साथ ब्लाउज कलेक्शन में शेयर किए थे। ब्लाउज हमारा स्लीवलेस ब्लाउज फ्रिल वाला। बाबू को देखो छींक आ रही है, उठ गया है बाबू भी। तो चलिए आप लोग साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं, आज बनाएंगे हम मट्ठे की मेहरी। बहुत दिन हो गया हम लोग खाए मट्ठे की मेहरी, तो मट्ठा घर से आता है, गांव से तो गए हैं, मट्ठा लाए हैं, तो बनाएंगे आज मट्ठे की मेहरी। अरे करीब बहुत दिन हो गया खाने खाए, बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं मट्ठे की मेहरी और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसी बनती है। तो चलिए किचन में चलते हैं, चलिए। तो दोस्तों चलो बनाते हैं और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ रेसिपी कि मट्ठे की मेहरी कैसे बनती है। तो ये देखिए चावल है, एक कटोरी हम चावल ले लिए हैं, धुल जो कि धुल लिए हैं, साफ करके धुल लिए हैं। अब हम इसको चावल को भूनेंगे। कढ़ाई रख दिए हैं, गर्म हो रही है, और चावल हम धो के साफ करके धुल लिए हैं। और ये सब डालेंगे इसमें, सरसों, जीरा, मेथी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार। तो अभी नमक नहीं निकाले हैं और कढ़ाई हमारी गर्म होने वाली है। तो दोस्तों हम डाल देते हैं, कढ़ाई गर्म हो गई तो उसमें देसी घी, घर का हमारा घी है, देसी घी से ही इसको चावल को भूनेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी हम डाल दिए 3-4 चम्मच देसी घी इसको चावल को भूनने के लिए। और घी गर्म हो गया तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, जो लाल मिर्च हम लिए हुए हैं 2, तो उसी से चावल को छिड़केंगे लाल मिर्ची से। तो उसके बाद हम डाल देंगे सरसों लिए हैं, जीरा और मेथी दाना ये सब लिए हैं, तो ये सब डाल देंगे साथ ही साथ में, थोड़ा सा वो लाल मिर्ची वो हो जाए, पक जाए हल्का सा। तो मसाले सारे हमारे पक गए हैं, अब हम इसमें चावल को डाल के चावल भी भून लेंगे थोड़ी देर तक, जब तक कि चावल का पानी ख़त्म ना हो जाए और वो चावल मतलब कि चुरचुरा जाए थोड़ा सा, तो तब तक उसको भून लोगे तभी इसकी टेस्ट मेहरी की बहुत अच्छा आएगा बनने में। देखिए चावल हमारा भुन गया है, मतलब कि चिड़चिड़ाने लगा है, पानी जो इसमें था वो सब सूख लिया है, चिड़चिड़ाने लगा है। तो ऐसे भूनते हैं मेहरी बनाते वक्त, बहुत अच्छी मेहरी बनती है, खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसमें डाल दे रहे हैं मट्ठा, ये देखिए मट्ठा भी हमारा घर ही का है। तो एक कटोरी हम चावल लिए थे, एक बहुत बड़ी कटोरी नहीं थी, एक कटोरी चावल लिए थे। तो मट्ठा करीब 2 लीटर लगेगा मेरे ख्याल से, हाँ पकने में इसको भी टाइम लगता है। तो डाल दिए इसमें मट्ठा, और अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, जो कि हम निकाल के रखे हुए हैं हल्दी, और नमक
और इसको चलाते जाएंगे, मतलब कि जब तक ये नमक और इसको चलाते रहेंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो ये मट्ठा जो है वो नीचे बैठ जाएगा, लग जाएगा, फट जाएगा। तो इसलिए इसको चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, बलकने लगे ये, तो फिर इसको ढक दें। तो इसलिए इसको अभी चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल आने लगेगा, फिर इसको हम ढक देंगे। और ये देखिए, उसके पहले लग रही थी कि ये पीली नहीं है, जबकि उतना ही हल्दी जितना डाले हैं तो दिखाए हैं तो उतना ही हल्दी डाले हैं, तो ये मतलब कि बलकने लगा है थोड़ा थोड़ा सी, इसलिए इसका कलर एकदम पीला हो गया परफेक्ट। तो और खाने में हम बनाए हैं आलू बैंगन की सब्जी, पूड़ियाँ, पूड़ी, और बन रही है मट्ठे की मेहरी। तो खाने में बस इतने बनाए हैं, आलू बैंगन की सब्जी, पूड़ी और मेहरी। आज न्यू रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और खाने में नया आइटम कुछ बनाए हैं। देखते हैं इसको कहाँ तक बना, इसमें बढ़िया से उबाल आ रहा है, और ये इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चावल ये भुना रहता है ना, घी में भुना है चावल, तो भुना हुआ चावल पकने में बहुत टाइम लगता है, तो भी इसमें टाइम लगेगा। वैसे चावल होता भुना ना होता चावल, घी में फ्राई ना किया होता, तो ये बहुत जल्दी पकता, और ये भुना है चावल, जैसे खीर हम लोग बनाते हैं भून के तो टाइम लगता है पकने में, वैसे ये भी है चावल भुना है इसलिए पकने में टाइम लगेगा। तो चलिए फिर से चेक करते हैं इसको कि कितना पका हमारा मेहरी। तो ये देखो पक गया ये, तो ये देखिए दोस्तों मेहरी हमारी पक गई है, परफेक्ट पक गई मेहरी हमारी। तो हम इसको हटा ले रहे हैं नीचे, और अब हम चल रहे हैं देने अपने हस्बैंड जी को खाने के लिए, क्योंकि उनको लेट हो रहा है, खा के जाएंगे। तो चलिए उनके लिए निकाल देते हैं खाने के लिए, और रख देंगे तो फिर थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी, फिर और अच्छे से मिल जाएगी। ये निकाल लिए, अब चलो देते हैं उनको हस्बैंड जी को, और वो पूरी सब्जी खा लिए हैं और वेट कर रहे हैं मेहरी का। ला लो जी जी मेहरी, मेहरी आज का उस साल के बाद सही बहुत मिर्चा, मिर्चा यार इसको तड़का लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है, मिर्च से, लाल वाली मिर्च से। हरी मिर्च थी हम डाले ही नहीं, हरी लाल वाली मिर्च से बहुत अच्छा माठा उठा हर चीज में। कैसी बनी है? खटलूस खटलूस। ए बाबू, आ बाबू, खटलूस खटलूस तू भी खा ले, तेरे को भी खट्टा खाने का मन कर रहा है, खटलूस खटलूस। देख तेरे पापा खटलूस खटलूस खा रहे हैं। इधर से आओ तुम। अरे बाबू मस्त है, बाबू का स्पाइडरमैन रखा हुआ है, मट्ठा का है, मट्ठा का लो खा ले। अभी वो ट्राई नहीं कर रहे, दीजिए अभी सो के कुछ देर बाद जगह है ना, रन दीजिए आप खाइए, थोड़ा टेस्ट कर लो। चार पाँच साल हो, पाँच छः साल हो गया मेहरी बनाए, जब गांव में थे तो बहुत ज़्यादा बनती थी, हम ही खुद ही बनाते थे, यहाँ पे आए बहुत दिन हो गया बनाए ना। चलिए खा लीजिए मस्त मेहरी, चलो मैं भी ब्लाउजवा का खा खा था तू ब्लाउजवा का खा खा कह रहे हैं कि मछली वाला डिजाइन है ब्लाउज का, मछली वाला इसमें फ्रिल लगा हुआ है तो इनको मछली वाला लग रहा है डिजाइन ब्लाउज का। आज कुछ नया पहने हैं यार, रोज वही सूट सूट कुछ न कुछ, आज हम कहे कुछ नया वाला पहने, अच्छा लग रहा है मछली वाला डिजाइन, तड़पती हुई मछली बनी है। देखो चलिए खा लीजिए आप, और वो क्या बोल रहे थे दीदी, क्या यहाँ से अपने उस वाले घर से हम आ गए हैं, हम लोग इस वाले घर में आ गए, वो तो बताए हैं शुरू में वीडियो में, तो वो हम पता नहीं कब हम लोग जल्दी ही जाएंगे, 8-10 दिन बाद जाएंगे शायद, आना जाना तो लगा रहेगा, बिट्टी की छुट्टी हो जाएगी तो शायद वहीं पे रहें 1-2 महीने, पता नहीं, मतलब आते जाते रहेंगे, तो वहाँ रहेंगे तो वहाँ का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ आएंगे तो यहाँ का वीडियो देखने को मिलेगा, और वहाँ का वीडियो तो और बढ़िया है, वहाँ का घर बहुत अच्छा बना है, मस्त घर बना है ना। तो चलिए आप खा लीजिए, अभी हम थोड़ी देर बाद खाएंगे, पहले बाबू को जा रहे हैं खिलाने, चार्ज भी लगा था। क्या बोल रहे बाबू, ये क्या बोल रहा है, सुन रहे हो क्या बोल रहा है बाबू, बोल बोल बता। इसको यहाँ पे नहीं अच्छा लगता है, कह रहा है मुझे जाना है मौसी के यहाँ मस्ती करना है। चलो चलो फिर चलेंगे जल्दी, आई ना।
चलो तेरे पापा देख जा रहे हैं, इनको लेट हो रहा है। शाम के चलो ठीक है, आटा खत्म हुए, गेहूँ रखेंगे शाम को। बाबू हमारा उदास है, बाबू मेरा उदास है। चलो पापा जाने, पापा से बाय बाय कर लो। पापा गए तेरे, देख चल अंदर आ जा, धूप बहुत तगड़ी आ गई है। 10 बजे इतनी धूप आ जाती है कि पापा, मैं ये कलर ले आना। कलर क्या करोगे? कलर अरे आज से कुछ कलर करूंगा। इधर देख के बताओ क्या करोगे कलर? अरे मेरे पास कलर नहीं है ना, दीदी का कलर करता हूँ तो ना, मुझे अपना कलर चाहिए। इधर देख के बताओ, बताओ। पापा से मंगाया था अपना कलर, अभी तो नहीं ले आए। फिर कहिया मंगाए थे? अभी कहिया कोई मंगाया था, मंगाए थे। पता नहीं लाएंगे नहीं, तुमको कलर सारे लाएंगे, याद रहेगा तो लाएंगे। चलो 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 अंदर, चलो गेट बना हुआ है। गेहूँ आटा बनाने के लिए तो आज नहीं ले गए हैं, कल ले जाएंगे। इसको आटा पिसवाएंगे, गेहूँ से आटा बनाएंगे। बाबू हमारा चले, इसके मनाए उनाए कुछ खाना वाना खिलाए मना के। इसको बड़ी उदासी लग रही है, मौसी लोगों की याद आ रही है, आयुष भैया की याद आ रही है इसको। तो हस्बैंड जी मेरे गाँव गए थे तो आए, तो मैं ये साड़ी और ब्लाउज ये वाला पहनी थी, तो बोलते हैं का पहन ले मछली वाला डिजाइन आज। इस ब्लाउज डिजाइन को अब मछली वाला नाम दे दिए, वो फ्रिल वाला यहाँ पे लगा है यहाँ। चलो दोस्तों चलिए अब हम इस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा ये वीडियो और वो मट्ठे की महरी की रेसिपी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय। आओ तुम भी बाय कर लो, बाय बाय दोस्तों बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बाय 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 बाय।